राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर कहा कि कांग्रेस व सपा व अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा घमंडिया नाम का संगठन बना हुआ है। घोसी उपचुनाव में घमंडिया वाले साथ खड़े हैं और देश में इंडिया नाम रखकर सामने आए हैं। ये कितने भी नाम बदल लें और कितना भी संगठन बना लें, आप जनता इनके एक भी बात सुनने वाली नहीं है। इन्होंने कहा कि हम घोसी विधानसभा के उपचुनाव में कल था और आज भी रहूंगा। मेरा वहां के आम जनता के बीच जाना हुआ है। वहां की आम जनता मोदी व योगी के साथ खड़ी है। घोसी विधानसभा की जनता कमल खिलाने जा रही है। हम बहुत भारी मतों से उपचुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी एकजुट होकर इंडिया नाम रखे हुए हैं। पहले ये यूपीए थे, लेकिन हम इनको घमंडिया कहते हैं। इन लोगों ने केंद्र की सरकार में बैठकर घपले किए थे, उससे बचने के लिए इन लोगों ने नाम बदला है। इनके चेहरे से जनता जागरूक हो गई है, इसलिए लोकसभा चुनाव में यूपी से 80 सीट भाजपा जीतने जा रही है, क्योंकि सभी नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति भाजपा ने किया है, जिससे जनता भाजपा के साथ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा, कांग्रेस और अन्य से जो दल है उनका पहले से घमंडिया नाम का संगठन बना हुआ है और इस घमंडिया वाले इस उपचुनाव में भी साथ में खड़े हैं और देश के राजनीतिक प्रदर्श पर भी सामने आए हैं अपना नाम बदल करके। ये कितने भी नाम बदल लें और कितना भी गठजोड़ और गठबंधन कर लें, अब जनता इनकी कहीं कुछ सुनाई करने वाली नहीं है। मैं घोसी चुनाव में कल था, आज भी रहूँगा और वहाँ की आम जनता के बीच मेरा जाना हुआ है। आम जनता मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है और मैं कह सकता हूँ कि गांव गरीब की जनता कमल खिलाने के लिए आतुर है और वहाँ से उपचुनाव हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे। देखा जाए 2024 सभी बच्चे एकजुट हो गए, इंडिया नाम रखा गया, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा भाजपा पर? इंडिया नहीं घमंडिया, ये यूपीए थे और यूपीए के नाते इन्होंने जो घोर घपले केंद्र की सरकार में बैठ के किए थे, उससे बचने के लिए इन्होंने जो नाम बदला है, नाम बदल कर भी कितने भी चेहरे बदलें, इनके चेहरों से जनता वाकिफ हो गई है। इनकी सोच और इनकी राजनीतिक शैली जो काम करने की है वो जात आधारित है, तुष्टिकरण की राजनीति करके आगे बढ़ने का है और जनता में भेद और विभेद पैदा करके ये हमेशा राजनीति में सत्ता हासिल किए हैं। और जो आम गांव गरीब की जनता का एक विकास होना चाहिए था, वो विकास बहुत पीछे छूटा हुआ था। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में काया पलट किया हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि जो आम जनता है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति मोदी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, दवाई हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मानी कहीं भी किसी भी स्तर पर आज समाज बिल्कुल पटरी पर है और समाज को मूलभूत आवश्यकताएं इस देश में इन 9 सालों में मिली हैं, जो कभी ऐसा संभव नहीं हुआ है।